नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 38वां एपिसोड। आज है 18 अगस्त 2020 और आज दिन भर में आईपीएल 2020 को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। साथ ही आईपीएल के खिलाफ कोर्ट में केस हो गया है और उसको लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। सारी खबरें इस वीडियो में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर से। तो ये खबर निकल कर आ रही है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से जुड़ी हुई। ना बाबा ना टाटा, ड्रीम इलेवन को मिल गई है आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप। दरअसल दोस्तों, आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ रुपए की बिडिंग कर दी थी। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि अनअकैडमी ने 210 करोड़ रुपए, टाटा ग्रुप ने 180 करोड़ रुपए, बायजू कंपनी ने 125 करोड़ रुपए लगाए थे और पतंजलि वाले बाबा तो कल ही निकल गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इसमें पैसा आने लगा था और पतंजलि इतने पैसे लगाने के मूड में नहीं था। तो इसलिए दोस्तों, अब ड्रीम इलेवन आईपीएल कहलाएगा, वीगो आईपीएल नहीं कहलाएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की टीम ने क्रिस वोक्स का रिप्लेसमेंट का नाम घोषित कर दिया है और एनरिच नॉटजी, जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से तेज गेंदबाजी करते हैं, उन्हें हम दिल्ली की टीम की तरफ से इस साल खेलते हुए देखेंगे। एक बहुत बड़ा फायदा दिल्ली को हुआ है। दिल्ली के पास तेज गेंदबाज के रूप में पहले से ही रबाडा है और अब नॉटजी भी एज ए तेज गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे। वोक्स ने पहले ही कह दिया था कि वो इस साल का आईपीएल नहीं खेलेंगे, इसलिए ये रिप्लेसमेंट दिल्ली को बुलानी पड़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। दोस्तों, अब तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें मुंबई इंडियंस की टीम ने खुद ने शेयर की है। मुंबई इंडियंस की टीम इस समय मुंबई में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की तैयारियां कर रही हैं, जिसमें रोहित शर्मा की वीडियो हम आपको बता चुके हैं दो दिन पहले की, वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें जियो गार्डन्स की तस्वीर है जहां पर ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चल रही है। तो मुंबई की टीम ने तो भाई पूरी तैयारी कर ली है और भारत से ही तैयारियां शुरू है, यूएई में भी मुंबई प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी बड़ी खबर की। तो आज की चौथी बड़ी खबर निकल कर आई है राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के सीईओ ने एक बड़ा बयान दिया है ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड प्लेयर्स को लेकर। एक बड़ा बयान है, बयान क्या है दोस्तों ये भी सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि शुरुआती एक हफ्ते में अंग्रेज और ऑजी प्लेयर, इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आएंगे। इससे नुकसान तो होगा लेकिन लॉन्गर टर्म में राजस्थान को इससे फायदा होने वाला है। उनके हिसाब से, राजस्थान रॉयल्स के सीईओ के हिसाब से, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स है जिसमें राजस्थान की तरफ से बेन स्टोक खेलेंगे, जॉस बटलर खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, स्टीव स्मिथ खेलेंगे, ये चारों पहले से ही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होगी उसमें प्रैक्टिस कर कर आएंगे और मैच फिट रहेंगे और ये फायदा राजस्थान रॉयल्स को फिर पूरे आईपीएल के दौरान होगा। अब ये उनका बयान है, आपके हिसाब से होगा या नहीं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कोर्ट के हवाले से। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल के खिलाफ एक पिटीशन दायर हो गई है। अभिषेक नाम के इस वकील ने, इन लॉयर्स ने, ये जो एडवोकेट हैं, इन्होंने ये पिटीशन दायर की है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि इस साल का आईपीएल यूएई में नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से, इस पिटीशन के हिसाब से, इन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस साल के आईपीएल को भारत में कराया जाए क्योंकि यूएई में आईपीएल होगा तो भारत में जितने भी लोग आईपीएल से कमाते हैं, भारत की सरकार, किसी को भी फायदा नहीं होगा और सारा फायदा यूएई को होगा। हालांकि दोस्तों, इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। मेरे हिसाब से ये जो कोर्ट में केस गया है अब आईपीएल को लेकर, ये ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं क्योंकि भाई बीसीसीआई डिसाइड करने वाला है। बीसीसीआई सरकार के अंडर में नहीं आता है, बीसीसीआई जो चाहे वो कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, ये केस ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस के हवाले से। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने खिलाड़ियों को क्वारंटाइन करना भी शुरू कर दिया है। जसप्रीत बुमराह भी मुंबई पहुंच गए हैं, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या भी मुंबई पहुंच गए हैं और इन्हें एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें खुद मुंबई इंडियंस की आधिकारिक सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड की गई है। तो भाई मुंबई तो पूरे रंग ढंग में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर राजस्थान रॉयल्स के हवाले से आ रही है। राजस्थान रॉयल्स ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, कुछ नहीं बहुत सारी तस्वीरें शेयर की है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम कोई प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं कर रही है और उनके बहुत सारे प्लेयर्स, लगभग सारे प्लेयर्स
मुंबई में क्वारंटाइन हो रहे हैं और सारे प्लेयर्स पीपीई किट में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे एक एक खिलाड़ी की, साफ है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आठवीं बड़ी खबर की। तो आज दिन भर की आठवीं बड़ी खबर निकल कर आई है आईपीएल के एड रेट्स और स्टार इंडिया के हवाले से। दोस्तों मनी कंट्रोल के हवाले से खबर है। खबर यह है कि इस साल एड रेट्स में कोई भी नुकसान स्टार स्पोर्ट्स को नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई लॉकडाउन के बाद हम लोग बोल रहे थे और कोरोना के चलते कि इस बार स्टार स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान होगा क्योंकि कोई एड्स चलाएगा ही नहीं, लेकिन फेस्टिवल सीजन के कारण, क्योंकि आईपीएल फेस्टिवल सीजन के दौरान खेला जाएगा और आईपीएल का कोई विकल्प नहीं होने के कारण एड रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और स्टार इंडिया उतने ही पैसे कमाएगा, लगभग उतने ही पैसे कमाएगा जितने पिछले साल कमा रहा था। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि स्टार इंडिया पैसा कमाएगा तभी ही लीग, जो हमारी भारत की सबसे बड़ी लीग है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नौवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर निकल कर आ रही है इरफान पठान के हवाले से। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर पठान साहब ने एक बड़ी एडवाइस दी है। इरफान पठान ने एडवाइस में साफ साफ कहा है कि इस बार सारे गेंदबाजों को महेंद्र सिंह धोनी से बचकर रहने की जरूरत है। इरफान पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अब धोनी के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री का प्रेशर नहीं है और अब वो अपने सही रूप में नेचुरल खेल में हमें दिखाई देंगे। उनके हिसाब से 2003, 2004 और 2005 वाला महेंद्र सिंह धोनी हमें दिखाई दे सकता है। दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि वही धोनी दिखे यार, क्योंकि हम भी जो पल था 2003 उसको रिलीव करना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बात करते हैं दसवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है। रोहित शर्मा को खेल रत्न मिल सकता है। भारत सरकार की सूत्र ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को तीन खिलाड़ियों को इस साल रत्न मिलने वाला है, भारत रत्न मिलने वाला है, जिसमें रोहित शर्मा का नाम भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला है कि धोनी को भी मिलना चाहिए। अब आपके हिसाब से रोहित शर्मा को मिल रहा है उसके लिए आपको क्या लग रहा है, अच्छा सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है, और क्या धोनी को मिलना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो आज दिन भर में निकल कर आई। अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको कौन सी खबर बेहतर लगी। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।